हेलो गाइस, दिस इज़ धर्मेंद्र मौर्य एंड वंस अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल पंचशील अकाडमी। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट ट्रांसलेशन। वी विल ट्रांसलेट अ पैसेज हिंदी टू इंग्लिश। तो ये जो ट्रांसलेशन है ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में संभावित है, आ सकता है, जो कि राजीव क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे किस तरह से ट्रांसलेट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। तो आपका जो सब्जेक्ट है, एक ईमानदार व्यक्ति, एन ऑनेस्ट पर्सन, एक ईमानदार व्यक्ति, यानी कि यहाँ पर आप पर्सन की जगह पर मैन भी लिख सकते हैं, ठीक। तो एन ऑनेस्ट पर्सन यानी कि एक ईमानदार व्यक्ति, सदैव का अंग्रेजी होगा ऑलवेज, जो कि एक एडवर्ब होने के नाते ऑलवेज जो है वो एक एडवर्ब है, जो कि एडवर्ब, ये एडवर्ब हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगता है, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद हम पीछे से बना सकते हैं। तो ऑलवेज क्या करता है, अनुसरण करता है। एक ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन मतलब एक ईमानदार व्यक्ति, ऑलवेज मतलब हमेशा, अनुसरण करता है मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में इसमें क्रिया है अनुसरण करना, तो अनुसरण करना का अंग्रेजी हो जाएगा। क्या चीज अनुसरण करता है इसमें हम सीखेंगे, अनुसरण करता है क्या चीज, न्याय और सच्चाई के पथ का, न्याय और सच्चाई के पथ का। तो अनुसरण करता है आप माने का हो जाएगा, और पथ का अंग्रेजी आप पथ लिख सकते हैं, पथ लिख सकते हैं या आप वे लिख सकते हैं। वे का मतलब होता है रास्ता या पथ, और पथ का मतलब भी पथ या रास्ता होता है। तो एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज, एक जो ईमानदार पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, हमेशा फॉलो यानी कि अनुसरण करता है आप पथ। एन ऑनेस्ट पर्सन मतलब एक ईमानदार व्यक्ति सदैव हमेशा अनुसरण करता है, फॉलो मतलब अनुसरण करता है का अंग्रेजी आप हो जाएगा, उसके बाद में क्या चीज पथ, और पथ का अंग्रेजी आपका पथ यानी पथ या वे होता है, और के का अंग्रेजी ऑफ, उसके बाद में न्याय और सच्चाई, जस्टिस एंड ट्रुथ यानी कि न्याय और सच्चाई का अनुसरण करता है। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। लिखा है, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। तो इसका ट्रांसलेट होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट में इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा। जैसा कि मैंने कई बार आप लोगों को बताया होगा कि जो आपका ट्रांसलेशन है वो लगभग 90% तीन टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें दियर और इट का प्रयोग मिल सकता है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सिंपल पास्ट और प्रेजेंट हो सकता है, जिसमें वाज वर्ब और इज एमआर का यूज़ भी हो सकता है। तो ये जो सेंटेंस लिखा है, यदि आपको क्रिया मिलता है तो क्रिया मिलता है तो वो या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट या तो पास्ट इंडिफिनिट में होगा, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में क्रिया नहीं होता है। चलिए समझते हैं, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है, ठीक है। तो वह का अंग्रेजी हो जाएगा किसी को धोखा नहीं देता है, इसका मतलब है कभी नहीं को एक साथ लिखा, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। तो कभी नहीं, कभी नहीं का अंग्रेजी नेवर हो जाएगा, ही का मतलब वह, नेवर मतलब कभी नहीं, चीट्स मतलब धोखा देता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ यस या यस नहीं होता है, लेकिन यदि नेवर या ईवर जैसा शब्द प्रयोग किया जाए, नेवर शब्द यूज किया जाए, तो उसके साथ जो वर्ब होगा एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग किया जा सकता है। तो ही नेवर चीट्स, वह कभी भी धोखा नहीं देता है किसी को, एनीवन मतलब किसी को, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है, ही नेवर चीट्स एनीवन, वह किसी को धोखा, कभी किसी को धोखा नहीं देता है। अगला सेंटेंस है, ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। ईमानदारी जो है
वो सच्चे सुख और शांति का स्रोत है। ठीक है, तो ईमानदारी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, इसमें कोई क्रिया ना होने के कारण ठीक है इसमें इस मार्ग का प्रयोग करके हम इसको बना सकते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी, इज मीन्स है स्रोत है, स्रोत किसका है, सोर्स ऑफ, सोर्स मतलब स्रोत होता है, सोर्स ऑफ इसका सच्चे सुख व शांति का। समझते हैं इस सेंटेंस को, लिखा ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है, तो ऑनेस्टी मीन्स हो गया ईमानदारी, इस माने है सोर्स मतलब होता है स्रोत ऑफ मतलब का हो जाएगा सच्चे सुख व शांति, ट्रू हैप्पीनेस, सच्चे सुख व शांति, व का अंग्रेजी एंड और पीस मीन्स हो जाएगा शांति, सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है, उसके लिए फॉर हिम, उसके लिए की बात काम है तो इसका अंग्रेजी होगा फॉर हिम, उसके लिए काम ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। फॉर हिम उसके लिए ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी इस मतलब है द बेस्ट मतलब सबसे अच्छी या सबसे उत्तम पॉलिसी मीन्स होता है नीति, उसके लिए ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति होती है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।